एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अपना RRBPO मेंस का टाइमिंग शेड्यूल, कि मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ, 120 मिनट में कैसे यूटिलाइज़ करूँगी। जैसे आपको पता ही होगा कि इसमें 120 मिनट का कंपोजिट टाइम होता है। तो ये टेस्ट मैंने काफ़ी पहले दिया था, मैंने एक बार इसका वीडियो भी अपलोड किया है, क्योंकि ये मैंने शायद प्री के पहले भी दिया था, बहुत पहले दिया था, क्योंकि मैं मेंस की तैयारी पहले से ही कर रही थी। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें जो मेरा स्कोर आया था, मैं पहले शेयर किया होगा, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं मैनेज करूँगी, मैं यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आप रीजनिंग में देख सकते हैं, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट 44 मिनट्स दिए हुए हैं। देन उसके बाद सेकेंड टाइमिंग दी है मैंने क्वान्टिटेटिव को, देन इंग्लिश को दी है, देन उसके बाद कंप्यूटर, देन जनरल अवेयरनेस। इसमें जीए मैंने सिर्फ स्टैटिक पार्ट कट किया था, क्योंकि ये पिछला जीए था, ऑफकोर्स मुझे याद नहीं था, जो स्टैटिक था और एक दो मैंने से गेस वर्क किया था। तो आप देख सकते हैं बहुत बेकार मार्क्स आए थे। तब मैंने कंप्यूटर भी बिल्कुल नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे मार्क्स कंप्यूटर में बहुत अच्छे नहीं है। इंग्लिश में और अच्छा स्कोर हो सकता था, बट स्टिल पहले मैं आपको बताती हूँ अपना टाइमिंग का। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँगी ऑफकोर्स, क्योंकि अब मैं उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर रही हूँ। मैंने जो डेली वीडियो है, PDF है मंथली, वो भी रिवाइज़ कर रही हूँ। तो ये है कुछ ऐसा। तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो मैं रीजनिंग को दूंगी। देन उसके बाद मैंने सोचा मैं क्वांट को दूंगी, देन इंग्लिश, देन GA, देन कंप्यूटर। तो ये है मेरा। अगर आप चाहें तो आप भी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।